हेलो एवरीवन, डीडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू शो हाई ड्यू एलिमेंट इन फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, हम फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करके जो ड्यू को शो और हाइड कराना है ऑन रेडियो बटन पे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, एक वीडियो जो है कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे शो हाइट लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने देखा होगा या फिर आप देख लीजिएगा कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो हम इस पे स्टार्ट करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट पे, हम कैसे ड्यू को शो हाइट कराएंगे कोई किसी इनपुट को। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बना के रखा हुआ है, जैसा कि आप यूआई में देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, ये मैसेज आ रहा है, एक हमारा इनपुट है इंटर नेम, और हमारे यहाँ पे फुल एड्रेस है यस और नो, यहाँ पे दो रेडियो बटन है। ठीक है, तो ये हम कंपोनेंट में, ये मैंने यूआई बूट स्टेप यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्ट का बूट स्टेप है। और यहाँ पे हमारा देखिए ये मैसेज है हाउ टू शो हाई ड्यू एलिमेंट इन फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नेम है, ये यहाँ पे नियो जो नेम है उसका ये ड्यू लगा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक इनपुट लिया हुआ है। ठीक है, मैंने, और यहाँ पे देखिए फुल एड्रेस है, ये देखिए फुल एड्रेस है, और इस ड्यू के अंदर हमारा एक है यस जो कि रेडियो बटन है, और एक है नो, ये भी हमारा रेडियो बटन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हमारा सबमिट बटन का एक ड्यू है, जैसा कि आप यूआई में देख पा रहे होंगे, नेम, फुल एड्रेस, सबमिट। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, हम एक ड्यू ओपन करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे यूज स्टेट। ठीक है, हम यूज स्टेट हमें यहाँ पे एक डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं इक्वल टू यहाँ पे यूज स्टेट को हम बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, फॉल्स। और यहाँ पे हम इसको यूज स्टेट को हम सेट करेंगे, हम क्या करेंगे, एक विजुअल नाम का कीवर्ड लेंगे और जो है कि यहाँ पे इसको सेट करेंगे, सॉरी सेट बीजी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं हम इसके इनपुट पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन, इस पे हम ऑन क्लिक लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, एक फंक्शन लेंगे, और हम अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेने के बाद हम ये जो हमने इसको जो है कि सेट विजिबल किया हुआ है, हम यहीं पे ही डायरेक्ट इसे कॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉल करने के बाद अब इसके अंदर मैं यहाँ पे यस पे ट्रू वैल्यू जो कि पास करूँगा, सॉरी ट्रू। ठीक है, ऐसे ही नो पे यहाँ पे भी ऑन क्लिक ही यूज करूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ सेट विजिबल को यहाँ से ही मैंने इसमें स्टोर कर दिया, और यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगी, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू हमारे सेट विजिबल में सेट हो जाएगी, ट्रू वाली ट्रू यहाँ पे इसको मिल जाएगा ट्रू और फॉल्स के। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में अब हम आके यहाँ पे देखते हैं, अब मैंने इसको सेट कर दिया, अब एक काम करते हैं इस कोड को हम यहाँ पे करली ऑन करेंगे, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस वेरिएबल को यहाँ कॉल कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हमें इसमें स्टेट में सेट हो गई, अब हम इसको सॉरी यहाँ पे विजिबल, ठीक है, और हम यहाँ पे इसे कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हम ऐसे अभी के लिए एक डिव ले लेता हूँ टेस्टिंग, और इसे डिव को यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको देख चलते हैं इसके यूआई पे। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे देखिए ये हम यूआई पे हम आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम नो पे क्लिक किया तो कुछ नहीं मिला, यस पे ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है,
नो पे हाइड हो गया, यस पे क्लिक हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसके यूआई को थोड़ा सेट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा इनपुट वाला नेम का जो हमारा इनपुट है, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा यूआई ठीक हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम की जगह एड्रेस दे दिया। ठीक है, इनपुट की जगह मैंने टेक्स्ट एरिया ले लिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया नाम, यहाँ पे आईडी में मैसेज दे दिया, और इसका इसका नेम भी है, नेम में भी मैंने मैसेज दे दिया, और प्लेस होल्डर में एड्रेस रख दिया। ठीक है, और एड्रेस, तो आइए देखते हैं यूआई में। ठीक है, देखिए हमारा, अब इसको मैं एक काम करता हूँ, बाय रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाइड हो गया, नो पे नहीं, यस पे, ये देखिए एड्रेस आ गया, ये इनपुट टेक्स्ट एरिया आ गया। ठीक है, इसको मैंने किया नो, तो हाइड हो गया, ये देखिए यहाँ पे क्लिक हो गया। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने कैसे किया है, तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि ये है कोड, और यही यही मेन है, यूज स्टेट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुक्स का। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे इसको मैंने सेट कर दिया इसकी वैल्यू, और हम इसे कॉल कर लिया। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत पड़े बीच में किसी प्रोजेक्ट में, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्लास कंपोनेंट पे बनाया हुआ है ऑलरेडी वीडियो, लेकिन उस पर किसी का कमेंट आया था कि फंक्शनल कंपोनेंट पे हम कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे कर सकते हैं फंक्शनल कंपाउंड में, और इंटरव्यू में भी लगभग किसी न किसी में पूछ लेते हैं ऐसे ऐसे। ओके, तो आप इसे इसे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।